हेलो एवरीवन, हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास सिक्स का जनरल इंग्लिश का लेसन फाइव द स्टार। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द सन गोज़ अवे। क्या होता है जब सन चले जाता है, सन गोज़ अवे। तो इसका आंसर है व्हेन द सन गोज़ अवे, यानी जब सूर्य ढल जाता है एंड नथिंग शाइन्स अपॉन, और कुछ भी आसमान में चमकता नहीं है। देन द लिटिल स्टार शो इट्स लाइट एंड ट्विंकल्स होल नाइट। तब लिटिल स्टार्स हमें दिखने लगते हैं और पूरे रात वो टिमटिमाते रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हु डज अ ट्रैवलर थैंक। ट्रैवलर जो है वो किसको थैंक करता है, किसको थैंक यू बोलते हैं। तो इसका आंसर है द ट्रैवलर थैंक्स द लिटिल स्टार, जो छोटे मोटे तार जो जगमगाते हैं, जो रात को जो सफ़र करते हैं, जो ट्रैवलर करते हैं, वो स्टार्स को थैंक्स बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज ही थैंक, क्यों थैंक करता है। तो इसका आंसर है द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार बिकॉज ही कुड नॉट सी द वे ही मस्ट गो इफ द स्टार डिड नॉट ट्विंकल। क्योंकि रात में जब पूरा अंधेरा होता है, तो अगर स्टार्स नहीं होते तो पता नहीं चलता ट्रैवलर को उसे किस रास्ते पर जाना है, कहाँ पर जाना है। इसीलिए वो स्टार्स को थैंक यू बोलता है लाइट करने के लिए। क्वेश्चन फोर है, व्हाट लाइट्स द ट्रैवलर। जो ट्रैवलर होता है उसको क्या लाइट्स देता है, क्या रोशनी देता है। तो द ब्राइट एंड अ टाइनी स्पार्क ऑफ द स्टार लाइट्स द ट्रैवलर। जो ट्रैवलर होते हैं, जो रात में सफ़र करते हैं, उनको कौन रोशनी देता है, तो छोटे मोटे जो तारे होते हैं जो कि आसमान में टिमटिमाते हैं, जगमगाते हैं, वो उसे लाइट देते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।